हेलो फैन, वेलकम टू माय चैनल। और आज बनाएंगे हम खस्ता मठरी, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 200 ग्राम मैदा ले लिए और बड़े बाउल में डाल लिए। इसमें ऐड कर देंगे हम नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पर मैं लिया है 1.5 चम्मच। कलौंजी भी इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच। अजमान छोटी 1 चम्मच। सूजी ली है बड़े 2 चम्मच। 1 पिंच लिया है बेकिंग सोडा। फ्रेंड्स, लिए हैं मैंने ये 2 बड़े चम्मच घी। और ये मैंने पहले से गरम कर लिया है, तो इसको भी ऐड कर देंगे इसमें। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सभी को ऐसे मिक्स करना है, मोमन मैदा के अंदर चला जाए अच्छी तरह से और मठरी हमारी खस्ता हो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा ये मिक्स कर लिया है। वो अब इस तरह से हम देखेंगे, चेक करेंगे, तो ये देखिए हमारा बनना है। एक डो तैयार करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, और डो हमें ज़्यादा मुलायम नहीं रखना है। एक साथ पानी डालकर नहीं इसको माड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसको माड़ना है। एक टाइट डो बनाना है, तभी हमारी मठरी खस्ता बनेंगी। से भी खा सकते हैं, चाय वगैरह से भी काफी टेस्टी लगती है चाय के साथ। ये फ्रेंड्स, हमारा ये डो तैयार हो गया है, तो इसको हम 10 मिनट के लिए अब ढककर रख देंगे सेट होने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं, हमारे 10 मिनट भी हो गए। तो फ्रेंड्स, इसको हम चेक कर लेते हैं और इसको थोड़ा हम चकले पर ऑयल लगाकर इसको मल लेते हैं तरह से। इस तरह से इसको मल लेंगे और ये हो गया है सेट। हम 2 भागों में बांट लेंगे और इसका एक पेड़ा बनाएंगे। हमने ये पेड़ा बना लिया है, अब इसको बेल लेंगे। आप किसी भी शेप में बेल सकते हैं इसको, गोल या लंबा। मैं यहाँ पर गोल बेल ली हूँ। और फ्रेंड्स, हमें मठरी की पट्टी ज्यादा ना पतली करनी है, मीडियम ही रखनी है ये इस तरह से। और ये हमें ज़्यादा ना पतली करनी है, मैंने इस तरह से रखी है ये इतनी मोटी। तो अब इसको हम कट कर लेंगे। आप किसी भी शेप में कर सकते हैं इसे। इसी तरह से हम सारे कर लेंगे पीसेज। ये देखिए, और अब इसको हम निकाल लेंगे। सभी को हम निकाल लेंगे इधर प्लेट में। ये प्लेट में शिफ्ट कर देंगे, तलेंगे। अब हम मठरियों को फ्राई कर लेंगे। हम गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाई लेंगे और इसमें ऑयल ऐड कर दिया है मैंने, तो यूज करा है सरसों का ऑयल। हमारा ऑयल भी हो गया है गर्म, तो अब इसमें हम मठरी ऐड कर देंगे। और गैस का फ्लेम हमें रखना है मीडियम। और फ्रेंड्स, इनको हम पलट देंगे अब, ताकि हमारी मठरी चारों तरफ से सिक जाए अच्छी तरह से। हमारी मठरियों का कलर भी अब चेंज हो गया है पहले से, गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मठरी गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो इनको अब बाहर निकाल लेंगे। ऐसे इनको भी ऐड कर देंगे इसमें, सभी को डाल देंगे। मठरियों का कलर चेंज हो गया, इन गलियों का भी। इसे 2 सेकंड तक और इनको फ्राई करेंगे। हमारी ये भी तल चुकी हैं, तो इनको भी हम निकाल लेंगे। और सारी मैंने मीडियम आंच पर ही सेकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी खस्ता मठरी एकदम बनकर रेडी है। तो मैं आपको चेक कराती हूँ कितनी खस्ता बनी है। ये देखिए, बहुत ही खाने में टेस्टी बनी है। आप लोग भी इस तरह से जरूर ट्राई करना, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना और कमेंट भी। आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।
बेल बटन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो मैं एक नई रेसिपी के साथ आपसे मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।